नमस्कार सर, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ ये कंपोनेंट के बारे में मैं आपको डिटेल आपको बताऊंगा कि जैसे दोस्तों मैं आपको बता दें कि पहली बार जितने भी हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन के अंदर जो पीसीबी लगी होती है, इस पीसीबी के अंदर जितने भी सारे जो कंपोनेंट लगे होते हैं, छोटे छोटे करके जो पार्ट्स लगे होते हैं या जो बोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट लगे होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। हम लोग क्या सीखेंगे, मोबाइल फोन के अंदर जो भी सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ये सारे कंपोनेंट क्या काम करते हैं, इनका वर्किंग क्या है, स्टैटिस्टिक क्या है, इनके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोबाइल फोन के अंदर क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ती है, क्या क्या सामान की जरूरत पड़ती है, क्या क्या पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, और आज की जो वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं उन सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उन सारे कंपोनेंट्स के बारे में आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक स्टूडेंट कानपुर से बात कर रहा हूं, जहां पर आपको मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, ऐसा रिपेयरिंग का पूरा टेक्निकली कोर्स आपको सिखाया जाता है। यहां पर आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से ट्रेनिंग दिया जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों माध्यम से आपको पूरा कंप्लीट सिखा के भेजा जाता है। बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है। सर ये अगर आप देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पे अबाउट में जाकर के देखेंगे तो सर ये 2012 का चैनल है। इतने साल से मैं फिलहाल ट्रेनिंग करा रहा हूँ और जितने भी सारे जो बच्चे होते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट चीजों को सीख करके जाते हैं। यहाँ पर जो बाहर से बच्चे आते हैं उनको रहने वहने की सारी सुविधा मिल जाती है और हम उनको इस वीडियो के माध्यम से जो ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर मैं डेमो क्लास लेना चाहता हूँ, मैं क्लास के बारे में समझना चाहता हूँ, तो मैं उनको वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप क्लास में समझने से अच्छा है, इन सब चीजों के बारे में करने से बेहतर है कि आप 8, 10, 15, 20 वीडियो देखें। जब आप 20-25 वीडियो को देखेंगे तो वीडियो देखने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि सर का सिखाने का तरीका क्या है और हम सर के माध्यम से सब चीजों को सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। तो हम लोग इस बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और सब चीजों के बारे में एक एक करके सीखते हैं। तो सबसे पहली बात, जितने भी हमारे पास मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन के अंदर जो भी छोटे बड़े कंपोनेंट लगे होते हैं उन सारे कंपोनेंट को हम लोग कैसे चेक करेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग सीखते हैं बेसिक के बारे में। बेसिक का मतलब क्या होता है, बेसिक क्या चीज होती है। आप लोग भी बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे पास सर पूरा कोर्स क्लास के बारे में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो लोग को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग एक अपना कॉपी पेन नोटबुक अपना जरूर बनाएं ताकि हम आपको जो भी सिखाते हैं उस वीडियो में देखें, उसको विजिबल करें, उसको एक एक करके अपने कॉपी में नोट करें। अगर थोड़ा सा अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बताऊं आप यकीनन आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि मान लिया जाए आप मेरे पास डेमो के लिए बैठे, आप मेरे पास 2 घंटे 1 घंटे क्लास के लिए आए हुए हैं सीखने के लिए, आप मेरे से क्लास ले रहे हैं और आप ये क्लास वीडियो के माध्यम से ये समझना चाहते हैं कि मैं सर से सीख पा रहा हूँ कि नहीं सीख पा रहा हूँ। अगर ऐसा कोई दिमाग में डाउट है तो आप क्लास को प्रॉपर वे में लीजिए, वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को टोटली एक एक करके वॉच करिए। तो हम बात करने वाले हैं बेसिक के बारे में। बेसिक का मतलब होता है मोबाइल फोन की प्लेट के बारे में जानकारी, मोबाइल फोन के पीसीबी के बारे में जानकारी, ये सारा हमारा बेसिक माना जाता है। सबसे पहली बात ये बेसिक जितने भी सारी चीजों को हम लोग सीखते हैं तो एक ये हमारा जो टॉपिक आता है ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, अब बात आती है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज होती है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस की वह शाखा है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन से चलने
वाले डिवाइस को समझते हैं। ये समझते हैं के बारे में सीखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी साइंस की वो शाखा है जिसमें हम मोबाइल फोन में या जिसमें हम इलेक्ट्रॉन से चलने वाले डिवाइस के बारे में सीखते हैं। इसमें पीसीबी का यूज होता है। इसमें किसका यूज होता है? पीसीबी का यूज होता है। पीसीबी का मतलब होता है मोबाइल फोन के अंदर जो प्लेट होती है उस प्लेट का इस्तेमाल होता है। जो पीसीबी होती है उस पीसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक साइंस की वह शाखा होती है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन से चलने वाले डिवाइस को समझते हैं। इसमें पीसीबी का यूज होता है। इसमें मोबाइल लैपटॉप टीवी रेडियो ईटीसी डिवाइस आते हैं। इसमें क्या होता है अपना अगर एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखेंगे तो इसमें तुम्हारा मोबाइल फोन आता है, लैपटॉप है, टीवी है, इस तरीके से जितने भी सारे ईटीसी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं ये हमारे आते हैं। अब सबसे पहली बात क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज होता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हमारा चलता किस ऊपर है। आप ये सब चीजों को सब अच्छे से नोट करते रहे। ये जितने भी सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है ये चलता किस पे है? ये हमारा करंट में चलता है। किसमें चलता है? करंट। तो करंट क्या चीज होती है, हम थोड़ा सा करंट के बारे में समझेंगे। अब करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को करंट कहते हैं। जो हम हमारे जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। जितने भी हमारे पास मोबाइल फोन आते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या कोई भी लैपटॉप हो, कोई भी लाइट, ये सब चीजें जो होती है, स्मार्ट टीवी है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आता है, जो भी सब कुछ चलता है वो करंट के कॉन्सेप्ट पे चलता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि करंट उसका एनर्जी का सोर्स होता है। जैसे कि हम लोग अगर पूरा दिन काम करते हैं, हमारी आंख चल रही है, दिमाग चल रहा है, हाथ पैर चल रहा है, ये सब चीजें कैसे काम करेंगे? हमको तो इन सब चीजों को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जब तक एनर्जी नहीं मिलेगा तब तक ये चीजें काम ही नहीं करेंगी, ये बेकार हो जाएगी। तो एनर्जी होने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, दाल रोटी चावल अनाज ये सब सेव सब खाते हैं। क्यों खाते हैं? ताकि हमको एनर्जी मिले। जब हमको एनर्जी मिलेगा तो वो एनर्जी क्या होता है कि हमारे पूरे बॉडी को एक्टिव करेगी, हमारे पूरे बॉडी से काम लेगी, पूरा बॉडी हमारा काम करेगा। तो उसी तरीके से हमारे डिवाइस के अंदर जो करंट होता है वो करंट क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को करंट कहते हैं। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को ही हम लोग करंट कहते हैं। और ये ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी सारे डिवाइस है इस डिवाइस के जो एनर्जी का ही सोर्स करंट कहलाता है। मतलब जो अगर कोई भी डिवाइस एक्टिव तभी हो सकती है कि जब उसको करंट मिलेगा, जब उसको सप्लाई मिलेगा तभी वो एक्टिव होगी, जिसको करंट भी कहते हैं या सप्लाई कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को करंट कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, करंट कितने प्रकार के होते हैं? यह दो प्रकार के होते हैं। जो हमारे जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, जो मोबाइल के फोन में यूज होते हैं, तो करंट जो होते हैं दो प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो सबसे पहला जो करंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसी करंट। क्या बोलते हैं?
उसके बाद दूसरा करंट होता है जिसका नाम होता है डीसी करंट। तो हमारे जो करंट होते हैं कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो पहला होता है एसी करंट, दूसरा क्या होता है डीसी करंट। एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट। एसी का पूरा नाम क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का पूरा नाम क्या होता है डायरेक्ट करंट। अब हम लोग चलिए थोड़ा सा एसी डीसी के बारे में समझ लेते हैं। अब एसी करंट क्या होता है, यह हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज करंट है। जैसे अगर देखा जाए तो अपने यहां पर 220 वोल्टेज, 440 वोल्टेज, 11,000, 33,000 इस अलग अलग रूपों में पाया जाता है। डीसी करंट जो रहता है या लो वोल्टेज है, ये अपने यहां पर इंडिया में 0 से लेकर के 12 वोल्ट तक पाया जाता है। कितना होता है 0 से लेकर के 12 वोल्ट, 0 से 12 वोल्ट का मतलब होता है जैसे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट इस तरीके से पाया जाता है। तो 0 से लेकर के 12 वोल्ट पाया जाता है। उसके बाद इसमें प्लस माइनस नहीं होता, जो तुम्हारा एसी करंट होता है उस एसी करंट में प्लस माइनस नहीं होता। इसे आप उल्टा सीधा जैसा चाहे वैसा लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता। इसमें क्या रहता है प्लस माइनस होता है, जो हमारा डीसी करंट होता है डीसी करंट में प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस पाया जाता है। तो जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन में जो डीसी करंट होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है प्लस माइनस पाया जाता है, प्लस माइनस होता है। तो इसमें प्लस माइनस नहीं होता, इसमें प्लस माइनस होता है। अब बात करते हैं ये रनिंग यूज है, रनिंग यूज, रनिंग का मतलब क्या है, चल रहा तो इस्तेमाल करिए, नहीं चला गया तो चला गया। उसके बाद ये बैकअप यूज है, बैकअप यूज का मतलब होता है इसको स्टोर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो ये एसी करंट होता है ये हमारा रनिंग यूज है, इसको हम कभी स्टोर नहीं कर सकते, और जब तक है तब तक इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो चला गया चला गया, ये बैकअप यूज है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमारा परमानेंट करंट होता है, कौन सा करंट होता है परमानेंट करंट होता है ये हमारा, इसको टेम्परेरी बोला जाता है कि मतलब जब तक स्टोर है तो चला गया तो चला गया, कोई हमारा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये हमारा परमानेंट सोर्स है, जैसे आपके घर में इन्वर्टर लगा होता है वो बैकअप के लिए यूज होता है, कोई परमानेंट सोर्स नहीं है। अगर मेन जो लाइट आती है वो आपकी परमानेंट है, अगर आपके घर में लाइट आएगी तभी काम होगा, लाइट नहीं आएगी तो काम नहीं होगा, इन्वर्टर से तो कुछ समय के लिए होगा फिर बंद हो जाएगा। तो इसलिए तो ये रनिंग यूज है, और ये आपका कौन सा यूज है बैकअप यूज है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का जो निशान बना होता है ये तुम्हारा एसी का निशान होता है, ये जो सिंबल बना होता है तो ये सिंबल का होता है अपना एसी का सिंबल होता है। उसके बाद जो डीसी का सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, अगर ऐसा निशान बना होता है तो ये हमारा क्या का निशान होता है डीसी का निशान होता है, ये हमारा डीसी का निशान होता है, एसी का निशान होता है, ये एसी होता है, ये हमारा क्या होता है डीसी होता है। तो ये एसी का निशान होता है, ये हमारे मोबाइल फोन में डीसी का निशान होता है। इसमें क्या रहता है कि एम्पियर स्लो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है एम्पियर फास्ट होता है।
हमारा जो एसी करंट होता है एसी करंट का एम्पियर कम होता है, लेकिन जो डीसी करंट होता है वो डीसी करंट का एम्पियर ज्यादा होता है, जो होता है ये अभी मैं आगे की वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल ये जो मैंने आपको दोस्तों बताया है, ये मैंने आपको एसी डीसी के बारे में बताया कि हमारा एसी करंट होता है उसका पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट, और जो डीसी होता है उसका नाम होता है डायरेक्ट करंट। एसी हाई वोल्टेज होता है 220 440 11000 33000, और जो डीसी करंट होता है वो हमारा ये लो वोल्टेज होता है 0 से लेकर के 12 वोल्ट। इसमें प्लस माइनस नहीं होता, इसमें प्लस माइनस होता है, रनिंग यूज है, इसका बैकअप यूज है, इसको इस तरीके से सप्लाई यूज होता है, इसमें इस तरीके का निशान बना होता है, ये हमारा डीसी का निशान होता है, एम्पियर जो होता है इसका स्लो होता है, ऐसा एम्पियर क्या होता है फास्ट होता है। तो जो भी हमारे मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल में जो करंट का इस्तेमाल होता है वो एसी और डीसी दोनों तरीके का इस्तेमाल होता है, लेकिन फिलहाल अगर आप मोबाइल फोन में अगर बात करते हैं तो मोबाइल फोन में शुद्ध प्योर डीसी वोल्टेज का यूज होता है, एसी वोल्टेज का यूज नहीं होता। अब जो हमारा जो एसी डीसी जो भी होता है ये हमारा करंट है, क्या है करंट है। हम अगर एसी डीसी की जो भी हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या होता है करंट है। करंट को अगर नापने की अगर आप बात करेंगे तो करंट को नापने का भी एक यूनिट होता है, जैसे अगर आप बात करेंगे कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में किसी भी चीज को चेक करना है तो चेक करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप उंगली लगा के चेक कर देंगे या वोल्टेज आ रहे हैं तो उसको हाथ लगा के चेक कर लेंगे, ऐसा नहीं। उसको करंट को नापने का यूनिट बनाए, यूनिट का मतलब होता है कि एक नापने का इकाई पैमाना। जैसे आप मार्केट में जाते हो चीनी लेने के लिए जाते हो, आप कहते हो भैया एक काम करो उनको 2 किलो चीनी दे दो, तो 2 किलो चीनी देने का मतलब क्या रहता है, वो ऐसा थोड़ी ना करता है कि 2 एक बोरी में डालता है पानी और भर के दे देता है कि ले जाओ 2 किलो हो गया। ऐसा तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, तो ऐसे तो कोई काम नहीं चलने वाला। तो उस कंडीशन में क्या है कि एक पैमाना बनाया कि भैया तुमको तौल करके देता है कि भाई ले जाओ 2 किलो। उसी तरीके से हमारा जो करंट होता है उस करंट को नापने का भी एक पैमाना है, उस पैमाने के हिसाब से करंट को क्या किया जाता है नापा जाता है या उस करंट को चेक किया जाता है। ऐसे नहीं कि किसी भी चीज में वोल्टेज दे दिया भूक गया तो भूक गया, क्यों भूक गया पता नहीं, क्यों, क्योंकि हमने उसको पैमाना नहीं पता या हमको उसको चेक करने का तरीका नहीं पता। तो अब हम लोग जो सीखने वाले हैं जो समझने वाले हैं करंट को चेक करने का पैमाना क्या होता है। करंट को जो चेक करने का पैमाना होता है वो होता है तुम्हारा वोल्टेज, करंट को जो चेक करने का जो पैमाना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं वोल्टेज। उसके बाद दूसरा एम्पियर, तीसरी चीज होती है वॉट। करंट को चेक करने का जो हमारा यूनिट होता है वो होता है वोल्टेज, क्या होता है वोल्टेज एम्पियर वॉट। वोल्टेज को हम लोग वी से बदल सकते हैं, एम्पियर को हम लोग ए या आई से बदल सकते हैं, वॉट को हम लोग पी या डब्ल्यू से बदल सकते हैं। कहीं P या W लिखा हुआ मिल जाएगा तो वॉट है, A या I लिखा हुआ मिल जाएगा तो एम्पियर है, और वोल्टेज लिखा हुआ मिल जाएगा तो वोल्टेज है, ये वोल्टेज मतलब। अब हम लोग करंट के यूनिट के बारे में सीखने वाले हैं कि करंट का यूनिट क्या होता है। उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर से हम लोग पीछे फ्लैशबैक में चलते हैं। मैं एक एक करके सभी स्टेप को मैं पूरे डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आप नोट भी करते रहे, समझते रहे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वीडियो जितने भी सारे आप लोग हैं, आप लोगों को जो मैं वीडियो डालता हूँ इतना मेहनत करके आपको वीडियो डालता हूँ, तो आप भी उन वीडियो के माध्यम से जरूर सीखें और सीखने में आपकी मदद हो, अच्छे से काम करें। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस की वह शाखा होती है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन से चलने वाले डिवाइस को समझते हैं। इसमें पीसीबी का उपयोग किया जाता है, एग्जाम्पल इसमें मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, टीवी है, रेडियो है, ईटीसी डिवाइसेस आते हैं। अब बात कर रहे हैं ये सारे जितने भी सारे डिवाइसेस होते हैं ये सारे डिवाइसेस करंट पे चलती हैं। तो करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम लोग करंट कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एसी दूसरा होता है डीसी। एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का नाम होता है डायरेक्ट करंट। एसी या हाई वोल्टेज 220 440 11000 33000 इन वोल्टेज में काम करता है, लेकिन जो अपना डीसी करंट होता है यह 2 वोल्टेज में काम करता है, 0 से लेकर 12 वोल्ट में काम करता है। इसमें प्लस माइनस नहीं होता, इसमें प्लस माइनस होता है, ये रनिंग यूज है, ये बैकअप यूज है, इसका निशान इस तरीके का होता है, इसका निशान ये होता है।
इसमें क्या होता है, एफटीएल स्लो होता है, इसमें एफटीएल क्या होता है, फास्ट होता है। उसके बाद करंट, करंट को चेक करने के तीन तरह के यूनिट बने हुए हैं। एक होता है वोल्टेज, एम्पियर, वॉट। वोल्टेज को वी से प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर को एआई से प्रदर्शित करते हैं, वॉट को पीआरडब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो आज के दोस्तों में मैंने आपको बताया है कि हमारे मोबाइल फोन में इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज है, और ये बेसिक का टॉपिक आज से यहाँ से स्टार्ट हो गया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज है, एसी डीसी क्या है, करंट क्या है, करंट को कैसे पहचाना जाता है, दूसरी बात क्या, उसका सिंबल क्या है, निशान क्या है, ये निशान से हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा एसी कौन सा डीसी है, और उसका करंट यूनिट क्या होता है, वोल्टेज एम्पियर वॉट क्या होता है। अब हम आपको वोल्टेज क्या है, एम्पियर क्या है, वॉट क्या है, ये हम आपको अगली वीडियो में सीखेंगे। अगली वीडियो में देखेंगे कि वोल्टेज एम्पियर वॉट क्या है, इसका हमारे मोबाइल फोन में क्या रोल है, और इसका हमारे मोबाइल फोन में क्या यूज है। तो आज की वीडियो में, वीडियो को ना लंबा करते हुए, आज हम आपको इतना सारी चीजें के बारे में मैंने आपको बताया है, बाकी का वीडियो हम लोग कल के टॉपिक में सीखेंगे या कल की चीजों में सीखेंगे। तो आज हमने आपको बताया है कि हमारा एसी डीसी क्या है, प्लस माइनस का क्या है, करंट को कैसे पहचानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज है, इन सब चीजों के बारे में आपको वीडियो दिया हुआ है। तो वीडियो आपको कैसा समझ में आया, वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, दोस्तों कमेंट जरूर करें, वीडियो में जुड़े रहें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ताकि हम आपको इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो आप उन सब चीजों को समझें और उन सब चीजों के एक एक बारे में जानकारी लें और अच्छे से समझें तो मिल सके। और अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग की पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, और बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के सब चीजों के बारे में आपको सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से आपको ट्रेनिंग मिलता है, ए से लेकर जेड तक पूरा एडवांस लेवल तक की कंप्लीट आपको सीखने मिलता है। तो जैसे आज हमारे पास क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन स्टूडेंट का बैच कंप्लीट हो गया है, और वो लोग भी अपना पूरा कंप्लीट मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सीख करके अपने घर गए हुए हैं, और सबकी एक ही उम्मीद है कि भाई हम लोग सीख करके जब अपने घर जाएंगे तो एक अपना अच्छा बिजनेस करेंगे, अपना सेटअप करेंगे, अपना काम करेंगे। बहुत ऐसे लोग थे जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई कर लिया, उसके बावजूद भी कोई काम नहीं मिल पा रहा था किसी चीज वगैरह से, तो उन लोगों ने अपना मोबाइल फोन रिपेयरिंग का एक छोटा सा कोर्स सीखने के बाद अपना बिजनेस करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे, कम से कम इस बार देखा जाए तो 18 स्टूडेंट्स हैं, जो 18 स्टूडेंट का टोटल बैच कंप्लीट हुआ है। ये बैच सीखने के बाद उन लोगों में से कुछ 4-5 लोग चले गए हैं, कुछ 5-6 लोगों को कल जाना है, कुछ 5-6 लोगों को 1-2 दिन बाद जाना है। तो इस तरीके से फिलहाल बैच कंप्लीट हो गया है। उसमें तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1-2 बच्चे हैं जिनका डाउट्स है, तो वो डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-2 दिन रुके हुए हैं, ताकि सर आपको ये नहीं समझ में आया। हम हर एक स्टूडेंट के लिए यही बात कहना चाहते हैं कि जब तक आपको कोई भी टॉपिक के बारे में अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता, आप अच्छे से सीख नहीं जाते, अच्छे से समझ नहीं जाते, तब तक तो आप भैया नहीं जाने वाले। आप जो भी सारी चीजें हैं सब चीजों को सीख करके ही जाएंगे, और पूरी सारी चीजों को एक एक करके क्लियर करके ही जाएंगे। ऐसा कोई मोबाइल फोन नहीं दुनिया जानता जो आपसे ना रिपेयर हो। बस आपको सीखने के बाद आपको 5 काम करते रहना है। क्या करते रहना है? एक तो सबसे पहली बात, जो भी आपको सिखाया गया है उसको अमल करना है। दूसरी चीज क्या है, सीखने के बाद आपको प्रैक्टिकल करते रहना है, ताकि कोई ऐसा नहीं होता कि 40-45 दिन में ही कोई खुदा भगवान हो जाता है। लेकिन हाँ, हम इतना काम करना सीख जाते हैं कि हमको आगे चल करके फ्यूचर में काम करने में कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ नहीं आती। तीसरी चीज, आपके पास टूल्स अच्छे होने चाहिए, ताकि आपको काम करते समय कोई परेशानी ना आए। चौथी चीज, जब भी आप काम कर रहे होंगे या कोई भी किसी कस्टमर का मोबाइल फोन रिपेयर करके दे रहे होंगे, तो जो प्रॉब्लम आई है उसको ठीक करके दे, और उससे जो एक वही पैसा बनता है वही पैसा उससे ले, और अच्छे तरीके से सेटिस्फेक्शन के साथ में काम करके दे। उसके बाद पांचवी चीज, जो नए लोगों के लिए मैं आपको बड़ा अच्छे से कहना चाहता हूँ कि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन ठीक होने के लिए आता है तो आप उस मोबाइल फोन का डाटाबेस जरूर बनाएं, और आप जो भी मोबाइल फोन ठीक कर रहे हैं ये देखें कि कहीं वो मोबाइल फोन चोरी का तो नहीं है, कहीं उस मोबाइल फोन में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो हमको नहीं करना चाहिए फिर भी आप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। क्योंकि अगर आप किसी भी इन सब चीजों के चक्कर में अगर एक बार फंस जाएंगे तो आप जिंदगी भर बार 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 उसी चक्करों में फंसते रहेंगे। आपने भाई बहुत अच्छा काम सीखा हुआ है, बहुत सारी अच्छी चीजों को सीख करके जब आप जा रहे हैं तो काम भी आपको नंबर 1 का काम करना है, नंबर 2 का काम नहीं करना। तो जब नंबर 1 का काम करेंगे तो आप हमेशा अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, अपने लोकल में जाकर रहने वाले होंगे, आप हमेशा नंबर 1 की पोजिशन में रहेंगे,
और आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी चीजें होती है जिंदगी में तुरंत मजबूत नहीं होती, वो धीरे 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 करके उसका क्राइटेरिया मजबूत होता है और धीरे धीरे करके ही वो लोग मजबूत होते हैं। लेकिन बस यही है कि काम सफाई से करना होता है और अच्छे से करके देना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज के दोस्तों मैंने वीडियो में आपको सप्लाई करे इन सब चीजों के बारे में आपको बताया है। तो मैं आपको इस समय पर प्रेजेंट टाइम पे आपको हार्डवेयर की वीडियो दे रहा हूँ। हार्डवेयर की मैंने बहुत सारे मुझे स्टूडेंट ने बोला हुआ है कि सर आप मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में तो बहुत अच्छा सिखा दियो, अब थोड़ा सा हार्डवेयर के बारे में भी सिखा दो ताकि हम सब चीजों को सीखने के बाद काम करें। उसमें से तीन चार स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो मेरे पास फोन आया है कि सर जी आपने जो भी मुझे टूल्स बताया है तो इसमें से मैं कहता है सर मैं 1200 रुपए का सामान खरीद लाया हूँ, कोई कहता है सर जी मैं 600 रुपए का सामान लेकर गया हूँ, ताकि मैं घर से आप जो भी एक एक करके बताएंगे मैं काम थोड़ा सा प्रैक्टिस करूंगा। महीने 15 दिन उसमें से 100 मेरे पास कलकत्ता गए, उन्होंने कह रहे हैं कि सर जो आपने ये मुझे बेसिक का मुझे वीडियो दिया है कि आयरन कितने का मिलेगा, मल्टीमीटर कितने का मिलेगा, तो हमारे पापा तो पहले सोचते थे कह रहे हैं ये सामान तो बहुत महंगा है कैसे काम होगा, लेकिन जब आपने उनका रेट बताया कि सर कोई 10 रुपए की, कोई 120 रुपए, कोई 150 रुपए की है, कोई 100 रुपए की, तो हमारे पिताजी ने बोला कह रहे बेटा कोई दिक्कत नहीं, फोन तो बहुत सामान महंगा है, 1500 सामान ले आओ कर डालो पेमेंट, क्योंकि मेरा शुरू से ही इन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट था। तो आप वीडियो मैंने पापा को भी दिखाई तो उन्हें भी बड़ा अच्छा लगा, तो आज मेरे पास उनका फोन भी आया, उन्होंने ये भी बात बोली कि सर मैं अभी 2-4 दिन आपके वीडियो के माध्यम से देख रहा हूँ, फिर मैं शायद ये 10 या 15 तारीख से मैं आपके पास क्लास को भी ज्वाइन कर लूंगा ताकि अच्छे से सीख करके बढ़िया से काम कर। पापा ने खुद बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, वीडियो से 4-5-6 दिन आप देखो फिर आप जाओ सर के पास सीख करके आओ, मैं तुमको अच्छे से दुकान करा देता हूँ। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, सीखने के लिए, काम करने के लिए। तो अगर आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे नीचे वाले दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कभी भी दिन में वीडियो कॉलिंग करके आप देख सकते हैं कि कैसे क्लास होती है, किस तरीके से क्लास कराया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, इन सब चीजों के बारे में आपको समझ सकते हैं। और अगर आप सिलेबस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भी आप मैसेज करें ताकि हम आपको पीडीएफ भेज देंगे क्या क्या सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो पॉजिटिव कमेंट करें और एक मैसेज करें ताकि हम भी आप उसको रिप्लाई दे सकें और हमें भी खुशी हो कि आपका मैसेज आया है। थैंक यू दोस्तों।